हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने जा रहे हैं, जेनेटिक्स का लेक्चर चल रहा था, सेकंड लेक्चर है ये। पहला लेक्चर आपको देखना होगा, तो पुरानी वीडियो आप देखेंगे। हाँ, तो न्यू लेक्चर में क्या है कि इस वाली वीडियो में हम आपको देखिए बेसिक बेसिक चीज़ें बता रहे थे। क्वेश्चन लगाने से बेहतर है पहले भी आप बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए, जैसे कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, फीनोटाइप क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रहे थे हम। तो बेसिकली फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं वो मेंडल है। मेंडल के बारे में कल बताया था। तो उन्होंने पाइसम सैटिवम की एक पी प्लांट को लिया था जिसकी वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने जो स्टडी की थी मेंडल ने, तो मेंडल साहब ने बताया था कि बहुत सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए ट्रेट्स होते हैं। ट्रेट्स क्या होता है भाई, हर कैरेक्टर के जीन होते हैं, अपने अपने क्रोमोसोम होते हैं जो कि वो काम रिस्पॉन्सिबल करते हैं। हाँ, जैसे कि हाइट का, एक प्लांट की हाइट है, ये एक उसका कैरेक्टर है। उसके उसके दो ट्रेट्स होते हैं, उसके दो खासियत क्या होती हैं, एक कैरेक्टर की दो क्या होती हैं, खासियत होती हैं। या तो वो टॉल होगा या क्या होगा, या वो ड्वार्फ होगा, या तो वो टॉल होगा या फिर वो ड्वार्फ होगा। तो टॉल के लिए, टॉल जो है वो डोमिनेंट होता है और रिसेसिव जो होता है वो स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये आ गया कैपिटल टी, कैपिटल टी इसका मतलब क्या है, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी इसका मतलब भी टॉल है, क्योंकि ये वाला टी इसके ऊपर हावी हो गया, हावी हो गया है, इसीलिए इसने क्या किया, इसको दबा दिया, अपना कैरेक्टर बाहर फेंक दिया। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर दो पाइसम सैटिवम क्यों लिया था, क्योंकि वो मैक्सिमम कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में हमें मिल गए स्टडी करने के लिए। और क्या मिल गया, दूसरी बात ये थी कि पाइसम सैटिवम का जो प्लांट है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, एक सीज़न में पूरी फसल ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है कलर ऑफ सीड। कलर ऑफ सीड की कैरेक्टर को देखा जाए तो या तो येलो होता है या फिर ग्रीन होता है, दो कलर के होते हैं सीड। येलो वाला देखा ये गया, ये डोमिनेंट होता है और ये रिसेसिव होता है। नेक्स्ट है शेप ऑफ सीड। शेप में अगर बात करें सीड के शेप की, या तो राउंड होता है या फिर वो रिंकल्ड होता है, राउंड या तो गोल होगा या फिर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड शेप का होगा, यानी सुखड़ा हुआ। ठीक है, अब कलर ऑफ फ्लावर में वॉयलेट कलर या फिर वाइट कलर। पोजीशन ऑफ फ्लावर को लेके भी इन्होंने पढ़ाई करी, पोजीशन यानी एक्सियल पोजीशन पे या टर्मिनल पर, एक्सियल ऊपर टर्मिनल अलग साइड में। ठीक है, नेक्स्ट है कलर ऑफ पॉड जो है, ग्रीन पॉड है या फिर येलो पॉड है। इसमें ग्रीन पॉड क्या है डोमिनेंट और येलो पॉड क्या है रिसेसिव। नेक्स्ट है शेप ऑफ पॉड, इन्फ्लेटेड है या कॉन्स्ट्रक्टेड है। ठीक है, इन्फ्लेटेड मतलब पूरा फ्लैट बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ होता है, और कंस्ट्रक्टेड मतलब आपको पता ही है डिस्टॉर्टेड। इतनी बात समझ में आ गई। रीज़न फॉर मेंडल सक्सेस, ये माना जाता है कि मेंडल साहब उस वक्त जो रेशियो बताने में सक्षम थे, यानी कि वो सक्सेस हो गए, वो इस बात के लिए क्योंकि उस वक्त उनके दौर में क्या नहीं हुआ था, उनके दौर में लिंकेज नाम की कोई चीज़ नहीं हुई थी। तो मेंडल, यही हमने लिखा है कि मेंडल टुक टू ईयर, मेंडल साहब को दो साल लगे फॉर कलेक्टिंग द प्योर प्लांट। इनके पास प्योर प्लांट मिल गए थे इनको। प्योर का मतलब क्या है, देखिए टॉल मैंने बताया, टॉल प्लांट जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है कैपिटल टी एक स्मॉल टी। स्मॉल टी हमें तो देख के दोनों ही टॉल लग रहे होंगे ना, लेकिन ख़ास बात यह है कि इनकी जब इन्होंने स्टडी की तो कैपिटल टी वाले इनको मिल गए प्योर। ठीक है, दो साल लग गए लेकिन इनको प्योर प्लांट ढूंढने में। अच्छा, मेंडल वॉज लकीली ही डिड नॉट सफ़र लिंकेज, वो लिंकेज उनके कहीं पर आया नहीं। लिंकेज नहीं आने की वजह से क्या हुआ कि इनके रिजल्ट वैसे ही निकल के आए जैसे ये चाहते थे, या जैसे इनके निकले, यानी कि वहाँ पर क्या नहीं हुआ, एरर्स नहीं आए, तो जो रेशियो थे वो ख़राब नहीं हुए। अगर लिंकेज आ जाएगा तो रेशियोज बदल जाते हैं। अब की जो जेनेटिक्स है वो बताती है, जब उन्होंने लिंकेज आया नहीं था, कहा ही जाता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, ये बहुत सारे साइंटिस्ट और ऐसा मानते हैं कि वो लिंकेज जो है उन्होंने छिपाया था, आए तो थे लेकिन छिपाया था, क्योंकि उस वक्त यही बात मानने में लोग हजम करने में जो है दिक्कत हो रही थी कि ये हम नहीं मानेंगे। अब वो बात अगर वो बोलते नहीं ऐसा अगर हो गया तो रिजल्ट फिर ऐसे आएंगे, उन्होंने कहा आप खुद अपनी एक बात पर कायम नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए
नेक्स्ट है मेंडल टुक अ मैथमेटिकल रिकॉर्ड। मेंडल ने बेसिकली एक मैथमेटिकल रिकॉर्ड रखा हर क्रॉस का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा, एक करेक्टर के लिए क्रॉस कराया, दो के लिए, तीन के लिए, उन्होंने मैथमेटिकल रिकॉर्ड रखा, जैसे 9:3:3:1, 2:1:1, इस तरह के कोई भी 1:2:1, ये भी सारे रेशियोज क्या है मैथमेटिकल टर्म में ही तो है, तो मैथमेटिकल टर्म में इन्होंने रिकॉर्ड अपने पास रखा। नेक्स्ट है मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, अगर इन्होंने मेंडल ने बताया कि अगर हम एक करेक्टर को लेके क्रॉस करेंगे तो उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगर दो हम दोनों करेक्टर की एक साथ स्टडी करेंगे तो डायहाइब्रिड क्रॉस, तीन करेक्टर की एक साथ स्टडी करेंगे तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर हमने टॉल प्लांट की स्टडी यानी हाइट की स्टडी करी तो या तो टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। अच्छा, हमने डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे, हाइट के साथ साथ हमने राउंड सीड ले लिया, शेप ले लिया ना, तो वो जो साइज शेप अगर लिया, अगर मान लो ये शेप अगर ये लिया सीड का राउंड या रिंकल, एक साथ स्टडी करी दोनों, एक तो हाइट की कर ली, यानी कहने का मतलब ये है इन सारे कैरेक्टर्स में दो कैरेक्टर उठा लो एक साथ स्टडी कर लो तो उसको डायहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में एक साथ तीन सारे तीनों करेक्टर को उठाएंगे तो ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पायसम सैटिवम जो प्लांट है, ये पी प्लांट है बेसिकली, मटर का प्लांट है और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ये बहुत अच्छी बात थी मेंडल के लिए, मेंडल साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने स्टडी करी तो उनको एक प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल गया। तो वही बाइसेक्सुअल आपको पता है ये मेल और फीमेल दोनों पोर्शन होते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस प्लांट की खास बात यह है कि लाइफ साइकिल एक ही सीजन में कंप्लीट कर लेता है ये, इट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन, तो इसलिए और बेहतर है ये पायसम सैटिवम मतलब पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए जेनेटिक्स के लिए, इसलिए उन्होंने लिया। और दूसरी बात यह है कि इनके हाइट में जो फ़र्क ज़्यादा था, चौथी बात यह है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर बहुत ज़्यादा एक ही प्लांट में मिल रहे थे इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल विजिबल करेक्टर एंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को बाहरी, उसके बाहरी रूप से देख के पता लगा के पता लगा लेना। जैसे आप अभी जा रहे हैं, आपने देखा कोई लंबा आदमी है तो ये लंबा है, लेकिन आप ये नहीं बता पाओगे कि ये इम्प्योर लंबा है या प्योर लंबा है, यानी कैपिटल टी इसके अंदर दोनों जीन है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जीन है, क्योंकि लंबा तो लंबा होता है। अब मैंने लिखा टॉल मैंने बताया तो इसमें बात ख़त्म हो गई। ये आपको पता कैसे चलेगा कैपिटल टी टी वाला या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला लंबा है, चाहे वो कितना ही लंबा हो, ऐसा नहीं है ज़्यादा लंबा है तो प्योर लंबा है, नहीं। इनमें से आपको फिर देखना पड़ेगा, जीन की स्टडी करनी पड़ेगी, इसी को क्या बोलते हैं जीनोटाइप। फिजिकली आप देख रहे हैं तो एक्सटर्नल, बाहर से देख रहे हैं तो फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब हो गया इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये आपको फिर पर्टिकुलर जीन की स्टडी करके ही मालूम होगा, क्या इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है जीनोम। जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कमिंग फ्रॉम ईदर पेरेंट। सेट होता है ना दो का, अब एक 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 हाइट है, एक हाइट के दो करेक्टर, दो क्रोमोसोम हो गए, कैपिटल टी और एक मान लीजिए अगर कैपिटल टी आया माँ से और स्मॉल टी आया बाप से, तो सेट हो गया ना पूरा, तो ये पूरा सेट को क्या बोलेंगे जीनोम। जीनोम पूरा एक सेट हो गया दोनों का, जो हम ये बोल रहे थे ये जीनोम है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है जीन। जीन क्या है, जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। बेसिकली डीएनए से ही बनता है ना जीन जो बनता है, तो जब ये डीएनए मिलके जब ये जीन बनता है तो जीन फंक्शनल होती है, ठीक है। टर्म जीन वॉज कॉइन्ड बाई जोहानसन ने सबसे पहले इनको बताया कि कोई जीन भी नाम की एक चीज़ होती है, डीएनए तो होता है, जीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये कैरेक्टर को जेनेटिक्स में ट्रांसफ़र कराने के लिए काम करता है, इसीलिए ज़्यादा जेनेटिक्स में ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस मिलती है। मेंडेलियन फैक्टर, उस वक्त अपने थ्योरी में जो इन्होंने जो थ्योरी दी थी जो मेंडल साहब ने, उस थ्योरी में ये क्या यूज़ कर रहे थे, फैक्टर यूज़ कर रहे थे कि फैक्टर कुछ होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, वो आज जो हम यूज़ कर रहे हैं नाउ अ डेज नोन एज जीन। क्या इतनी बात समझ में आई, अगर आपके बात समझ में आई तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करेंगे, थोड़ा सा भी फ़ायदा अगर उठा रहे हैं तो हमारी मदद करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।